नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वाहू एक्सेस के साथ और मैं हूं आपके साथ राकेश वड़ाल। इस समय हम उधमपुर के मुख्य बस स्टैंड में मौजूद हैं और आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यह उधमपुर का मुख्य बस स्टैंड है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। वहीं लगातार जिला प्रशासन भी लोगों से लगातार ये अपील कर रहा है कि कोरोना अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, कोविड की जो भी गाइडलाइन है उसका पालन आप करें। लेकिन आज भी ज़्यादातर लोग घर से बाहर निकलते हैं तो बिना मास्क के ही निकलते हैं। हम भी लगातार अपने चैनल्स के माध्यम से कई बार ये अपील कर चुके हैं कि जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहन के निकलें। लगातार आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अब फिर से एक बार कोरोना वायरस के मामले जो हैं कहीं ना कहीं बढ़ते नज़र आ रहे हैं और हम सब का फर्ज बनता है कि हम कोविड गाइडलाइन का पालन करें। इस समय हम उधमपुर के मुख्य बस स्टैंड में मौजूद हैं और ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से भी अब कमर जो है वो कस दी गई है और किसी ना किसी तरीके से इस कोरोना वायरस को रोकना है। जिला प्रशासन की तरफ से अलग अलग जगहों पे काउंटर बनाए गए हैं, यहाँ पर कोविड टेस्टिंग की जा रही है। उधमपुर शहर की अगर बात करें तो उधमपुर शहर में जहाँ जहाँ भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात की गई हैं और वहाँ पर कोविड सैंपलिंग जो है वो हर एक की ली जा रही है। आप तस्वीरें ये उधमपुर के बस स्टैंड से लगातार देख रहे हैं और वाहू एक्सेस के माध्यम से ये तस्वीरें देख रहे हैं। कहीं भी उधमपुर में अगर आपको भीड़ भाड़ वाला इलाका कोई दिखता है तो वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम इसी तरह से लोगों के सैंपल कलेक्ट कर रही है। तस्वीरें ये लगातार आप बाहु एक्सेस के माध्यम से एक्सक्लूसिव देख रहे हैं और दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कोविड का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहन के निकलें और प्रशासन द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की गई हैं उनका पालन करें। लगातार आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें मुस्तैदी से अपना काम यहां कर रही हैं और हर इंसान के कोविड सैंपलिंग का काम जो है कर रहे हैं, सैंपल लगातार कलेक्ट किए जा रहे हैं। जहां भी उधमपुर के चौक चौराहे पे आप जाओगे या भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप जाओगे तो आपको इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग की टीमें यहां पर मिलेंगी। सर अपना नाम बता देना और ये बताना है किस तरह की टीमें जो है जिला प्रशासन द्वारा गठित की गई हैं और कितने सैंपल अभी तक कलेक्ट किए हैं। जी सर, मेरा नाम लक्ष्मी दुबे है, मैं एज ए फार्मासिस्ट यहाँ पे काम कर रहा हूँ। हमारे जो है ब्लॉक टिकरी के अंडर आता है बस स्टैंड, तो टोटल जो है 3 टीम जो है हमारे ऑन गोइंग जो चल रही हैं, 2 जो है इस वक्त यहाँ पे हैं, 1 ITI में है। तो एट प्रेजेंट जो है हमने 200 सैंपल ले लिया है, 100 रेड और 100 RT-PCR। हमारी कोशिश है कि हम आगे भी कंटिन्यूस करें और लोगों को जो है अवेयर करें, साथ में टेस्टिंग थोड़ा और फास्ट करें। जो लोग अभी भी हमने देखा है कि कई बड़े सारे लोग हैं जो भीड़ भाड़ के इलाके में जाते हैं और मास्क नहीं पहनते हैं, आपकी तरफ से क्या अपील है? मेरा उनसे अनुरोध है कि कृपया करके वो मास्क डाल कर रखें, अदरवाइज जो है क्योंकि जैसे कश्मीर में केसेस बढ़े हैं तो हमारी कोशिश है कि यहाँ पे ना हो और लोगों को हम प्रोत्साहन करें कि वो टेस्ट की तरफ ज़्यादा फोकस करें और जिन्होंने वैक्सीन करवाई टेस्ट उनके भी होंगे। सर ठीक है, थैंक यू। एक चीज़ इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी यही है कि बेशक आपने कोविड वैक्सीन ली है लेकिन आपके टेस्ट भी होंगे, आपको भी टेस्ट करवाना पड़ेगा। एक तरफ कश्मीर घाटी में भी लगातार कोविड के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जम्मू डिवीज़न की बात करें तो जम्मू डिवीज़न में
भी जिला प्रशासन जो है वो चुस्त है। हर चौक चौराहे पे जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके में इसी तरह से सैंपल कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं, काउंटर लगाए गए हैं और हर किसी का यहाँ पे कोविड सैंपल लिया जा रहा है। कैमरामैन रोहित के साथ राकेश पड़ियाल, बाहू एक्सप्रेस न्यूज़, उधमपुर बस स्टैंड।